Look at that! 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 Ah! अमेजन रेन फॉरेस्ट के एक तालाब में आप नजारों का आनंद ले रहे हैं और तभी आपके पैरों में कुछ खुरदरा सा महसूस होता है, फिर एक और कुछ महसूस होता है, उसके बाद फिर एक और। ये आखिर क्या चीज है? ये देखने के लिए आप नीचे देखते हैं। और ये क्या? आप चारों तरफ इलेक्ट्रिक ईल के झुंड से घिरे हैं और इनका ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये है पैरेलल फैक्ट और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ईल के हमले से कैसे बचें। इलेक्ट्रिक ईल 650 वोल्ट तक बिजली के झटके दे सकती है, जो कि अमेरिका में सप्लाई होने वाली बिजली से 5 गुना अधिक है और भारत में सप्लाई होने वाली बिजली से लगभग 3 गुना। अगर ये जानने के बाद आपको इससे डर लग रहा है तो आप अपने आसपास घूम रहे ईल्स पर करीब से नजर डालें। ये वोल्टा इलेक्ट्रिक ईल्स हैं, जिन्हें 860 वोल्ट तक झटके देने के लिए जाना जाता है। ये किसी भी जानवर के द्वारा दिए गए झटके से बहुत ज्यादा है। ये बिजली का झटका इतना अधिक है कि इससे एक बार में घोड़ा भी जमीन पर गिर पड़े। ये बिजली का झटका आपका क्या हाल करेगा? इलेक्ट्रिक ईल्स इंसानों पर क्यों हमला करेंगे और क्या वे पानी के बाहर भी आपका पीछा करेंगे? ये ईल मछलियां हैं, लेकिन ये जीव नाइफ फिश नामक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इनकी 3 प्रजातियां हैं, जिनमें से लीनियस इलेक्ट्रिक ईल और वेराइज इलेक्ट्रिक ईल तभी हमला कर सकते हैं जब उनका शिकार उनके करीब हो। लेकिन आप इलेक्ट्रिक ईल्स के करीब तो नहीं जाना चाहेंगे और चूंकि आप इससे दूरी बनाकर ही रखेंगे, इसलिए हमने ईल्स के 3री प्रजाति को आपके लिए बचा कर रखा है और ये है वोल्टा इलेक्ट्रिक ईल्स। और आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके चारों तरफ वोल्टा इलेक्ट्रिक ईल्स का झुंड है। तो आप इलेक्ट्रिक ईल के हमले से कैसे बचेंगे? स्टेप 1, अपने दोस्त को साथ रखो। यदि आप ब्राजील में अमेजन बेसिन की यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने दोस्त को भी साथ लेकर जाएं। इलेक्ट्रिक ईल्स की औसत लंबाई 1.8 से 2.5 मीटर और वजन लगभग 20 किलोग्राम होता है। उनके शरीर का 80% भाग इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, जिनमें करीब 6000 खास तरह के सेल्स हैं, जो इसके इलेक्ट्रिक पावर को स्टोर करके रखता है। और हाल ही में खोजी गई वोल्टा ईल 860 वोल्ट तक बिजली के झटके दे सकती है, जो कि दूसरे ईल के मुकाबले 200 वोल्ट अधिक है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना था कि ईल्स अकेले ही शिकार करते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने वोल्टा ईल की 100 से भी अधिक की झुंड को एक साथ मिलकर शिकार करते देखा है। यदि वे हमला करते हैं तो आप बहुत अधिक वोल्टेज से प्रभावित होंगे और आपका शरीर इस वोल्टेज को झेल नहीं पाएगा और आखिरकार आप बेहोश हो जाएंगे। ऐसे में आप पानी में डूब सकते हो, इसलिए आपको बाहर निकालने और आपकी जान बचाने के लिए किसी को वहां होना चाहिए। ये करंट कम एम्पियर का होता है, इसलिए बिजली का एक झटका शायद आपको मारने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक ईल का झुंड आप पर हमला करता है तो कई झटके आपकी जान लेने के लिए काफी होंगे। ऐसे सिचुएशन में अगर आपके साथ कोई दोस्त हो तो वो आपको पानी से बाहर निकालकर आपकी जान बचा सकता है। स्टेप 2, ईल्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित ना करें। आप शांति से अमेजन नदी में तैर रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर एक लंबा और घिनौना इलेक्ट्रिक ईल आपके सामने आ जाए? ऐसे सिचुएशन में भी कुछ चीजें आपके फेवर में हैं। सबसे पहले तो जितना आप इलेक्ट्रिक ईल से डरते हैं उससे कहीं ज्यादा ये आपसे डरती है और उनकी देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए गहरी सांस लें और उनका ध्यान आकर्षित न करें। स्टेप 3, सेहतमंद रहें। यदि कोई इलेक्ट्रिक ईल आप पर हमला करती है तो स्वस्थ रहने से आपके बचने की संभावना बढ़ सकती है। आपकी बॉडी जितनी बेहतर शेप में होगी उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आप कार्डियक अरेस्ट से सदमे में जाने से बच जाएं, क्योंकि यह मौत की सजा हो सकती है, खासकर तब जब आप तैर रहे हों। इसलिए इलेक्ट्रिक ईल्स वाले इलाकों में जाने से पहले जिम जाना शुरू करें और अपनी बॉडी की शेप अच्छी करें। स्टेप 4, जमीन की ओर बढ़ें। अगर इलेक्ट्रिक ईल का झुंड आपके साथ तैर रहा है या वहां से गुजर रहा है तो उन्हें थोड़ी जगह देना एक अच्छा विचार है। झुंड के बीच थोड़ी सी जगह ढूंढकर धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ें और ईल की पूंछ से सावधान रहें। यह इसके शरीर का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां इसके सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स मौजूद हैं। लेकिन जमीन पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक ईल्स हवा में सांस ले सकते हैं, इसलिए उन्हें बार बार सतह पर आना पड़ता है। अपने भावनाओं पे कंट्रोल करिए और पानी में देखिए भी मत। यहाँ तक कि पानी के पास खड़े रहने से भी ये आपको बिजली के जोरदार झटके दे सकती है। ये झटके जितना आपके लिए खतरनाक है उतना ही दूसरे ईल्स के लिए भी। वे एक दूसरे को भी गलती से इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं
और अगर वे दूसरे ईल्स के नाजुक अंगों पर शौक देते हैं तो तुरंत उनकी मौत हो जाएगी। हालांकि ये शक्तिशाली प्राणी है, इसके बावजूद इनका जीवन जोखिम से भरा हुआ है। लेकिन अब आप सुरक्षित रूप से पानी से बाहर हैं। लेकिन क्या हो अगर आप सांपों से भरे एक आइलैंड पर फंस जाएं? जानने के लिए हमारे चैनल पैडल फैक्ट को चेकआउट करें। हाउ टू सर्वाइव स्नेक आइलैंड इन हिंदी, ओनली ऑन पैडल फैक्ट। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहें पैडल फैक्ट।